शारदीय नवरात्रों के बाद आज जनपद जालौन की जालौन नगर क्षेत्र की विराजित सभी देवी मूर्तियों का विधिवत पूजन अर्चन कर नाचते गाते हुए उनका विसर्जन किया गया। जालौन नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 28 देवी मूर्तियों को पंडालों में धूमधाम से पूजन अर्चन कर स्थापित कर 9 दिनों तक स्थापित किया गया था और आज जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित प्राचीन द्वारिकाधीश मंदिर मैदान में सभी मूर्तियों को लाया गया और यहां से विधिवत पूजन अर्चन कर नाचते गाते हुए नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से होकर नारायणपुरा गांव में स्थित नहर में विसर्जित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी मां के जयकारे लगाते हुए नाचते गाते दिखाई दे रहे थे। प्रशासनिक व्यवस्था भी और दिनों की अपेक्षा चुस्त दुरुस्त नजर आई। जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज मूर्ति विसर्जन की पूरी जानकारी क्या है। हाँ तो देवेश जी, जालौन नगर में कितनी मूर्तियां स्थापित की गई थी और कहां विसर्जित की गई है देव प्रतिमाएं, तथा नगर पालिका एवं पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रही आज? आज जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गई नौ दुर्गा की मूर्तियों को, यानी लगभग 28 की संख्या में मूर्तियां स्थापित की गई थी। आज तय समय के अनुसार विधिवत जो है द्वारिकाधीश मंदिर प्रांगण में सब एक एक करके इकट्ठा हुई और विधिवत पूजन अर्चन कर उनको नम आँखों से विदाई दी गई। इस दौरान मूर्तियों का पूरा काफिला नाच गाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ डीजे की धुन पर जो है श्रद्धालु नाचते रहे और नगर क्षेत्र जालौन के द्वारकाधीश मंदिर से स्टार्ट होकर झंडा चौराहा होते हुए बस स्टैंड, कांजी हाउस, देवनगर चौराहा, काली माता मंदिर होते हुए वापस पानी टंकी होते हुए सब्जी मंडी तिराहे से चुंगी नंबर 4 तक गए और उसके बाद फिर पहुँच चौराहे तक और उसके बाद फिर वापस कोतवाली मोड़ और उसके बाद नारायणपुरा गाँव में जाकर इनका विधिवत जो है प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इनका नहर, नारायणपुरा गांव में एक नहर है, उस नहर में विधिवत इनका विसर्जन हुआ। इस दौरान पुलिस व्यवस्था भी बिल्कुल चाक चौबंद थी। साथ ही नगर पालिका प्रशासन की अगर हम बात करें तो नवमी के दिन जो इनकी लापरवाही सामने आई थी आज उसका खबर का असर देखने को मिला और आज नगर पालिका प्रशासन द्वारा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद दिखाई दी। साफ सफाई भी अच्छे से दिखाई दी और आवारा जानवर आज एक भी नहीं दिखाई दिया। ये बड़ी बात है, कहीं ना कहीं ये इस प्रशासनिक शक्ति कहें या नगर पालिका प्रशासन की सजगता, आज एक भी आवारा जानवर सड़क पर नहीं दिखाई दिया और जुलूस भी बेरोक टोक जब जारी रहा। और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि इस दौरान जो है एक चीज़ और देखने को मिली, वो मिली गंगा जमनी तहजीब। नगर जालौन के देवनगर चौराहे के पास समाज सेवी इमरान अंसारी जो कि मुस्लिम हैं, उन्होंने धर्म मज़हब जाति से ऊपर उठकर मानवता की मिसाल पेश की और जितनी भी मूर्तियां थी सब पर तिलक लगाया, चुनरी चढ़ाई, माल्यार्पण किया, आशीर्वाद दिया और लोगों को नाश्ता आदि भी कराया। तो कहीं ना कहीं जनपद जालौन की जालौन नगर क्षेत्र में इस गंगा जमनी तहजीब की भी लोग तारीफ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और नगर में विभिन्न स्थानों पर जगह जगह पर स्टॉल लगाए गए थे, भक्तों के लिए नाश्ता की व्यवस्था की गई थी, भक्तों के लिए शरबत आदि की व्यवस्था की गई थी, यानी कि कुल मिला के भक्तों के उत्साह में कमी बिल्कुल नहीं दिखी गई। लोग डीजे की धुन पर सब कुछ भूल के, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब के सब डीजे की धुन पर नाचते गाते आज माँ को नम आँखों से विदाई देते नजर आ रहे थे। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।